السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، सोबार सवारा है हमने इस मुल्क के सेबर हमको सोबार सवारा है हमने इस मुल्क के सेबर हमको ए अहले जुनूब के अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। काबिले इहतराम हजरात साथीजे करम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, ये जो तिरंगा लहराता नजर आ रहा है ये हमारे मुल्क का कौमी परचम है। इस तिरंगे के पीछे हमारे उस्ताद और बुजुर्गों की तकरीबन 200 साल की तवील जिद्दोजहद और कुर्बानियां है। तख्ते दार पर चढ़कर फांसी के बंदों को चूमकर देवबंद की सुरूबत और मशक्कतें बर्दाश्त करके अंग्रेजों की अजीयतें और सख्तियां झेलकर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया और लाल किले की पसीने से अंग्रेजी पलों को उतारकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पूरी शान शौकत के साथ इस तिरंगों के लहराया था। आइए आज हम ये आयत की जिस तरह हमारे असलाफ ने इस तिरंगे की आजमत शौकत की हिफाजत की है, हम भी अपने इस कौमी परचम के खानदान और शान की हिफाजत करेंगे और इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस तिरंगे की शान और इसके पैगाम को हमेशा जिंदा ताबिंदा रखे और जो ताकत है तिरंगे की आजमत को तार तार करके मुल्क में कोई नया रंग और नया झंडा लहराने की कोशिश कर रही है, अल्लाह उन्हें नाकाम फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शाबाश माशाल्लाह।